जय हिंद दोस्तों, इंग्लिश प्यार में आप सभी का स्वागत है। अभी हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स T20 बिग बैश का, जो अगला मैच होगा दोस्तों, जो कि होगा होबार्ट वुमेन और सिडनी पिंक वुमेन्स के बीच में दोस्तों। इस मैच के बारे में तो कौन से वो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स होंगे, कौन से वो प्लेयर्स होंगे दोस्तों जिनको आपको अपनी टीम में रखना है, जो ये मैच आपको जिता के दे सकते हैं, इस वीडियो में सब कुछ आप सभी के साथ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए अभी के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट दोस्तों, शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर हम मैचेस की बात करें, ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स T20 बिग बैश का मैच है दोस्तों, ठीक है, तो होबार्ट और सिडनी सिक्सर्स के बीच में मैच है। किसके बीच में? होबार्ट और सिडनी सिक्सर्स के बीच में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है। मैच के टाइमिंग्स की मैं बात करूँ, 12:40 को मैच स्टार्ट होने वाला है। कितने बजे? 12:40 को मैच स्टार्ट होने वाला है। दोनों ही टीम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मैच होने वाला है दोस्तों, ठीक है। 12:40 को मैच होने वाला है। होबार्ट और सिडनी सिक्सर्स के बीच में मैच है, तो कौन से वो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स होंगे, इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट दोस्तों, शुरू करने से पहले दोस्तों, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देखिए ये सब्सक्राइब वाला बटन है दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस करिए दोस्तों। इससे क्या होगा, आप हमारे साथ जुड़ जाओगे दोस्तों। और हमारे साथ जुड़ने का क्या फ़ायदा है दोस्तों? दोस्तों, जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे दोस्तों, नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। उसके लिए सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को दोस्तों आपको क्या करना है, ऑल करना है दोस्तों, और नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियोस अपलोड करें, नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर देखिए मोर का ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पर मोर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मोर वाले ऑप्शन को प्रेस करना है। देखिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा, सबसे ऊपर है दोस्तों हमारा जो प्राइम टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उसका लिंक। दोस्तों, हमारा प्राइम टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको सबसे ऊपर दिख जाएगा। तो इस वाले टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या मिलेगा दोस्तों? टेलीग्राम चैनल से जुड़ने से ना, आप सबसे पहले तो हर एक मैच के यहाँ से ऊपर अपडेटेड रहोगे। एक तो अपडेटेड रहोगे फर्स्ट, सेकंड दोस्तों आपको प्राइम टीम मिल जाएगी दोस्तों, हमारी जो प्राइम टीम हम प्रोवाइड करते हैं वो आपको मिल जाएगी। उसके अलावा दोस्तों, हम इस वीडियो में ना आपको एक टीम प्रोवाइड करते, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते, तो इस टेलीग्राम ये वाला लिंक आपको इस टेलीग्राम पर यहाँ से आपको ज्वाइन करने में हेल्प करेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको टेलीग्राम पर टॉस होने के बाद अपनी जो फाइनल प्राइम टीम होती है दोस्तों, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो जल्दी से जुड़ जाओ दोस्तों, अगर अभी तक नहीं जुड़े हो दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ। तो देखिए यहाँ पर नीचे जहाँ पर आपको ब्रॉडकास्ट का बटन दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, ज्वाइन का बटन दिखेगा। तो नहीं जुड़े हो दोस्तों, जल्दी से जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, अभी मैच के बारे में आप, तो दोस्तों इस मैच की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैच है होबार्ट वुमेन, एक सेकेंड, होबार्ट वुमेन और सिडनी सिक्सर्स वुमेन्स के बीच में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है एक तो सबसे पहले। दूसरा मैच दोस्तों 2:40 को नहीं दोस्तों, ये मैच जल्दी शुरू होगा, 12:40 को मैच स्टार्ट हो जाएगा, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये मैच यहाँ पर भी होने वाला है, तो दोस्तों ये चीज़ भी याद ज़रूर रखना। फिर यहाँ से हम चलेंगे डायरेक्ट मैच पर, सिलेक्टेड बाय में, हाँ क्रिएट टीम पर चलेंगे, सिलेक्टेड बाय में जाना है पास्ट लाइन। तो सबसे पहले होबार्ट की बात कर लेते हैं, लीजल ली और डेनियल वाइट हॉज, ये दोनों ओपन करेंगे। फिर आएंगे निकोला कैरी, इविलियानी, हेदर ग्राहम, सीट्रियन टीसेबायल, कैथरीन ब्रूस, फिर एमस्टेनरो, एल स्मिथ और ए स्मिथ, ठीक है। ये दोस्तों टीम की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 होने वाली है। अगर टीम के सबसे हस ओपनर्स की बात करें, लिजेल ली और डेनियल वाइट ओपन करेंगे, ठीक है। वन डाउन निकोला कैरी आएंगे, लीजल ली दोस्तों टीम का विकेट कीपिंग भी संभाल लेंगे, ओपनिंग करेंगे, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। बाकी एलिस ही या तो ए हीली भी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। बाकी डेनियल वाइट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ग्रैंड लीग में रखना है दोस्तों, सी और बी सी ट्राई करना है ग्रैंड लीग में।
और स्मॉल लेग में एज ए नॉर्मल पिक आपको रख रहा है। फिर आती है दोस्तों निकोला कैरी, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करेंगी। क्या क्या करेंगी? बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करेंगी तो आपको विकेट से भी, हाँ से बॉलिंग से भी पॉइंट देंगी विकेट लेके, प्लस बैटिंग भी दोस्तों काफ़ी शानदार कर लेती है, तो यहाँ पर भी आपको यहाँ से एडवांटेज इनके साथ मिल जाएगा। ठीक है, फिर आएंगे इविलियानी, ये दोस्तों आपको बॉलिंग नहीं आपको डालते हुए दिखेंगे, ये सिर्फ बैटिंग से आपको पॉइंट देंगे। काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं, आप ट्राई ज़रूर कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हैदर ग्राहम, इस टीम की सबसे बेस्ट बॉलर में से एक और एक जेन्यून विकेट टेकिंग बॉलर, बॉलिंग करेंगे आपको ज़रूर हर मैच में विकेट्स लेते हुए मिलेंगे दोस्तों, हर मैच में आपको विकेट्स लेते हुए मिलेंगे हर मैच में। सी और वी सी के एक सबसे बेस्ट पिक में से इनका नाम मैं सबसे पहले लूँगा। ठीक है, ओके। फिर आएंगे ट्रियॉन, सी ट्रियॉन की बात करेंगे दोस्तों, साउथ अफ्रीकन प्लेयर है सभी को पता है, बॉलिंग करती है लेफ्ट आर्म, ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, 4-3 से 4 ओवर बॉलिंग डालेंगी, बैटिंग से भी आपको पॉइंट देके जा सकती है अगर टीम को ज़रूरत हो तो, बैटिंग से भी आपको बैकअप देके जाने वाली है याद रखना, इन दैट केस ये भी इम्पॉर्टेंट है, सही है ना। फिर आएंगे दोस्तों टीसे वायल, बैटिंग से आपको पॉइंट देंगी। फिर आएंगे कैथरीन ब्रुस, बेसिकली ये दोस्तों टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, बट टॉप ऑर्डर में प्लेयर्स भरे पड़े हैं, इसलिए अभी के लिए इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सॉरी इनका बैटिंग ऑर्डर और यहाँ से बोलिंग तो करेंगे, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे कर दिया गया, बट बहुत शानदार एक प्लेयर है, आप ज़रूर ट्राई कर लेना अपनी टीम में, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे दोस्तों आपके लिए। फिर आएंगे एम्सटेनरो, एम्सटेनरो की मैं बात करूँ काफ़ी अच्छी ये भी प्लेयर ऑप्शन होंगे आपके लिए, बॉलिंग करती है और 4 ओवर हर मैच में डालती है आपको मिलेंगी। लेंस स्मिथ, 3 से 4 ओवर हर मैच में डालेंगी, ए स्मिथ बैट ऐसे नॉर्मल बैट्समैन है। यहाँ से सिडनी सिक्सर्स की बात करूंगा मैं दोस्तों, अभी सिडनी सिक्सर्स की तरफ से इस सीज़न के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर और ऑस्ट्रेलिया के सबसे बेस्ट प्लेयर में से एक एलिस पेरी आपको खेलते मिलेंगी। कौन? एलिस पेरी, और एलिस पेरी के बता दूँ बैटिंग और बॉलिंग दोनों करती है, बॉलिंग से भी आपको विकेट लेके देंगी, बैटिंग से तो ये लगातार अच्छा कर ही रही सीज़न। ओके, फिर आती है एलिस हीली, ए हीली काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी ऑप्शन होंगी आपके लिए। हाँ, बाकी होबार्ट की तरफ से अगर मैं बात करूँ, 4-4 ओवर बॉलिंग कौन करेंगे? यहाँ से निकोला केरी 4 ओवर डालेंगी, हैदर ग्राहम 4 डालेंगी, कैथरीन ब्रुस 3 से 4 डालेंगी, स्टेनरो 4 डालेंगी, बाकी दोस्तों यहाँ से ये इंज में डिवाइड हो गए, कैथरीन ब्रुस से भी 1 से 2 ओवर कट सकते हैं, वो डायरेक्टली दोस्तों यहाँ से ब्रुस में जाएंगे, ब्रुस के खाते में जाने वाले। ठीक है, बाकी यहाँ से एलिस पेरी, फिर आएंगे एलिस सीली, ओपन करते दोस्तों प्लस आपके लिए ट्रम्प कार्ड होने वाली है याद रखना, टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, लीजिए हिली को ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ से एलिस हिली को भी ट्राई कर सकते हो, ये भी आपके लिए काफ़ी बेस्ट पिक में से होंगी दोस्तों याद रखना, तो ट्राई ज़रूर कर लेना, ग्रैंड लीग में सी और बीस भी कर सकते हो, यहाँ से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फिर आती है दोस्तों सारा ब्रूस, सारा ब्रूस की मैं बात करूँ दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी होंगी, यहाँ से एशले गार्डनर होंगे दोस्तों, एशले गार्डनर बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करती है तो दोनों से आपको पॉइंट देने वाली है। फिर आएंगे एच हार्मिटेज, बैट्समैन है, प्रॉपर बैट्समैन है, आपको बैटिंग से पूरा बैकअप देके जाएंगी, बैटिंग से काफ़ी अच्छा करेंगी। फिर ये हंटर आएंगी, ये हंटर इंपॉर्टेंट होंगी। फिर मैटलिन ब्राउन, बेसिकली दोस्तों ये बॉलिंग करती है बट बॉलिंग से इतना कुछ चल पाएगा चल नहीं रहा। सोफी कस्टन, यहाँ से आने वाली है सोफी कल्स्टन, 3 से 4 ओवर हर मैच में डालेंगी। यहाँ पे मैं बात करूँ सी ब्रेक की, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर और एक टीम की यहाँ से रिसेंट के टाइम पे अच्छी बॉलिंग ये कर रही है दोस्तों, सी ब्रे हर मैच विकेट लेके दे रही है। फिर आएंगे चेटसिपल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 ओवर बॉलिंग जरूर डालेंगे अपनी टीम के लिए। एल सिलेट है एक ट्रम्प कार्ड ये भी हो सकती है आपके लिए दोस्तों, ग्रैंड लीग जी की जब आप टीम बनाएंगे याद रखना। सोफी कस्टन रिसेंट के टाइम की बात करूँ ये बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म चल रही है, बट याद रखना ये एसी प्लेयर है नहीं दोस्तों, इस टीम में सबसे बेस्ट अगर बैटिंग से भी यहाँ से काम करना तो यहाँ पर बैटिंग से भी काम कर जा सकती है, बॉलिंग से ज़रूरत पड़े बॉलिंग से भी आपको बैकअप देंगी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक ऑलराउंडर है दोस्तों सोफी कस्टन याद रखना, और सामने बॉलिंग काफ़ी अच्छी है तो इनकी बैटिंग भी आ सकती है। तो बाकी आपसे बॉलिंग की बात करें कल्स्टन तो 4 ओवर ज़रूर डालेंगी, ठीक है वो श्योर हूँ मैं, बाकी एशले गार्डनर भी 4 डालेंगे, एलिसा पेरा 2 से 3 डालेंगी, बाकी डिटेल आपको आगे हम बताएंगे वीडियो में, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए,
डिटेल आपको हम बताएंगे पूरा कि कौन से प्लेयर को आपको रखना है, कौन से नहीं, सब कुछ बताएंगे दोस्तों। बट उससे पहले थोड़ा स्टैट्स देख लेते हैं मैचेस की। स्टैट्स की मैं बात करूं, ठीक है, तो देखिए होबार्ट ने जो आखिरी दोस्तों यहाँ से मैच खेले, कितने मैच, होबार्ट ने जो आखिरी 5 मैच खेले हैं दोस्तों, 5 में से 3 मैचेस जीते हैं, 2 मैचेस हारे हैं। इस टीम की बात कर रहा हूँ। सिडनी सिक्सर्स ने कितने जीते कितने हारे, यहाँ से दोस्तों सिडनी सिक्सर्स की टीम ने 4 हारे और 1 मैच ही इन्होंने जीता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ नोटिस करने वाली है। तो बाकी यहाँ से अगर मैं बात करूँ वेन्यू की, वेन्यू है वेलिवर ओव, यहाँ से ओवल होबार्ट का वेन्यू दोस्तों। कौन सा वेन्यू है? वेलिवर ओवल होबार्ट का वेन्यू है। पिच की बात करें, एक बैटिंग पिच रहने वाला है जहाँ पर आपको स्पिनर्स अच्छा करते हुए मिलेंगे। रिसेंट जो 5 T20I मैचेस हुए हैं, 151 का एवरेज स्कोर रहा है, टोटल 64 विकेट्स गिरे, 24 विकेट पेसर्स को, 36 विकेट्स स्पिनर्स को मिले हैं। और हेड टू हेड में जो आखिरी 5 साल में मैचेस हुए हैं, 10 मैच टोटल आमने सामने खेले गए, कितने मैचेस, 10 मैचेस, जिनमें होबार्ट की टीम ने 2 मैचेस जीते, सिक्सर्स की टीम ने 8 मैच जीता। टॉप पिक्स की मैं बात करूं, टॉप पिक्स में दोस्तों आखिरी जो 5 यहाँ से T20I मैचेस हुए हैं, होबार्ट की टीम ने दोस्तों यहाँ पर, यहाँ से इनके तरफ से हैदर ग्राहम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, फिर यहाँ से दोस्तों निकोला केरी और एम स्टैंड्रो। सिडनी सिक्सर्स की तरफ से एलिस पेरी ने अच्छा किया है, फिर दोस्तों यहाँ से सोफी कल्स्टन ने अच्छा किया हुआ है, फिर सारा ब्रूस ने अच्छा किया हुआ है। ओके, यही चीज़ है यहाँ पर दोस्तों। टीम बनाने से पहले दोस्तों, बाकी टीम बनाने से पहले थोड़ा हाथ से हम क्रिकेट खोल लेते हैं कि उससे क्या होगा, उससे दोस्तों हमको मालूम कुछ चीज़ें पड़ जाएंगी। जैसे कि होबार्ट की बात करो, होबार्ट का जो आखिरी मैच आया था, देखिए फर्स्ट बैटिंग करते 133 बनाया था, चेस करते हुए दोस्तों मेलबर्न स्टार्स की टीम ने 136 बना लिया 17 ओवर में। तो ये चीज़ देखने वाली है। तो होबार्ट की तरफ से देखिए रिसेंटली ओपन कर रहे, हालांकि ये फ्लॉप रही थी, भॉज भी यहाँ से फ्लॉप रही, बट निकोला क्रिज जैसा मैंने बोला बैटिंग से काफ़ी अच्छा कर रही है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये विलियानी है, हेदर ग्राहम है, सी ट्रियोन ने भी बैटिंग से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, टी सेवायल फ्लॉप रही थी, कैथरीन ब्रूस ने 11 किया। बॉलिंग से चेक कर लेते, देखिए जैसे कि मैंने बोला ट्रियोन हर मैच में 4 ओवर डालेंगे, निकोला के हर मैच में 4 ओवर डालेंगे, देखिए 8 ओवर ये डाल रही है, ठीक है। यहाँ पर हैदर ग्राहम के 4, ये 3 ही बॉलर्स होंगे जिनके 4 4 ओवर फिक्स है, और इन 3 बॉलर्स को आपको रखना है। कौन कौन से बॉलर्स? ट्रियोन, कैरी और हैदर ग्राहम। तीन प्लेयर्स हैं, निकोला कैरी, हेदर ग्राहम और ट्रिगन, इन 3 प्लेयर्स को हमें रखना है अपनी टीम में, वो तो मस्ट है, ठीक है। फिर बात करते हैं दोस्तों हम बैटिंग से, बैटिंग से देखिए, बैटिंग से हमारे पास है ये 3, 1 2 3, यहाँ से अगर ओपनर एक चाहिए होगा दोस्तों हम ले लेंगे, वो डिपेंड करेगा दोस्तों परफॉर्मेंस के ऊपर। बट अभी के लिए सिडनी सिक्सर्स का भी हम एक मैच देख लेते दोस्तों, कैसा रहा था इनका भी मैच। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं दोस्तों जिनको हम रखेंगे ही रखेंगे अपनी टीम में, बट उनके प्लेयर की बात नहीं है, जैसे एलिस पेरी, इनको रखना है दोस्तों, ये तो अबॉन्डेंट, थोड़ा छोटा मैच हो गया तो नहीं, पूरा मैच देखेंगे ये वाला, जैसे कि ये वाला दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर देखिए तो एलिस पेरी एज यूजल हर मैच में अच्छा कर रही है दोस्तों, इस मैच में अच्छा करेंगे, इनसे एक्सपेक्टेड था मुझे। इसके अलावा आर्मिटेज है, सारा ब्रूस से जिन्होंने 62 किया था, एशले गार्डन ने हालांकि यहाँ पर 0 पर आउट हो गई थी, बट प्लेयर बहुत शानदार है दोस्तों, इनको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा, टाइम यहाँ से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एल्शा हंटर है, सोफी एकल्स्टन है, मैटलिन ब्राउन है, ब्रे है, सिपल है, फ्रैंकलिन है, चिलेट है। बॉलिंग में यहाँ पर दोस्तों देखिए, बॉलिंग में चिलेट है जो 4 डाल रही है, इकल्स्टन है, एलिस पेरी है, ब्रे है, एशले गार्डन है, सिपल है। जैसे कि मैंने बोला देखिए टॉप ऑर्डर में जो बैटिंग करी उनमें दोस्तों एलिस पेरी, गार्डनर और इकल्स्टन, इन 3 प्लेयर्स को आपको रखना ही रखना है, एलिस पेरी, गार्डनर और इकल्स्टन, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सारा ब्रूस भी अच्छा कर रही है, तो सारा ब्रूस विकेट कीपिंग से इंपॉर्टेंट है, एक बार इनका चेक भी कर लेते, हाँ इनको रख लेंगे। फिर डेनियल व्हाइट हॉज हमको बैटिंग से रखना है, और ये ओपनिंग करते हमें कोई एक ओपनर चाहिए इस टीम से, तो हॉबर्ट की तरफ से इनको हम रख लेंगे।
कैसे इंड्रोस कब रख सकते हो, बट चिलैट और स्टेनरो मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे अच्छे पिक होंगे। अभी के लिए मैं स्टेनरो को रख रहा हूँ, रिसेंट फॉर्म को देखते जो हर मैच में विकेट लेके दे रही है अपनी टीम को। तो ये है यहाँ पर। अब क्या एक अदर प्लेयर क्या ले सकते हो, जैसे कि आप यहाँ से ली से ली को ले सकते हो जो आपको ओपनिंग करते भी देंगे। एक और प्लेयर अगर आपको चाहिए यहाँ से आपके लिए, यहाँ से विलियानी या फिर बॉलिंग से कैथरीन ब्रूस, किसी को भी ट्राई कर सकते हो। मैं अभी के लिए यहाँ से मेरा ट्रम्प कार्ड ब्रेको में रखूँगा। तो टीम को जिस तरीके से एक काम करते हैं, ब्रेक को नहीं रखते, यहाँ पर रखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं ब्रेक कितने ओवर्स डालती है। ठीक है, तो ब्रे डाल रही है यहाँ से 3 ओवर्स, तो ब्रे मेरे ट्रम्प कार्ड होंगे तो मैं ब्रेक रखूँगा। तो ये मेरी टीम है, कैप्टन एलिस पेरी, वाइस कैप्टन हैदर ग्राहम। इसमें चेंज नहीं होगा, आप यहाँ से चेंजेस क्या कर सकते हो, आप निकोला कैरी को सीआरबीसी ट्राई कर सकते हो, बट मैं शायद चेंज नहीं करूँगा, मैं तो इसी टीम के साथ जाने वाला हूँ। बाकी फाइनल अपडेट्स, फाइनल चेंजेस आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूँगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद सभी को दोस्तों।